Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. माँ का घर उजाड़ के कौन सी नगरी बसाई तूने अमीरन, अब बस यही फिक्र थी कि कब कैमरा सामने आया और मैं बोलू। मेरे जहन में जो था अमिताभ बच्चन, वो सिलसिले का रोमांटिक हीरो था। फारूक जी, वेलकम टू फिल्म कंपेनियन। मैं इतनी खुश हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपने गुलाबो सिताबो में इतना बेहतरीन काम किया है कि लोग निकल के सिर्फ बेगम की बातें कर रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह। लेकिन हमें बताया जूही चतुर्वेदी, गुलाबो सिताबो की जो राइटर हैं, उन्होंने कहा कि एक्चुअली आपने इस रोल के लिए ऑडिशन किया, तो आपको नहीं लगा कि आप कहें कि मैंने तो 1981 में उमराव जान की थी, मेरे से आप क्या ऑडिशन ले रहे हैं? नहीं, ऑडिशन जो था वो ऐसा नहीं था। सुजीत और जूही घर पर आए थे और उन्होंने मुझे ऐसा समझाया कि मेरी समझ में आ गया, और ऑडिशन तो मेरी समझ में नहीं आया कि उसमें किसी ने बना के भेज दिया होगा, मुझे याद नहीं। अच्छा, और बेगम बनना कितना मुश्किल था? सुजीत और आपकी क्या क्या बातें हुई? मुश्किल बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो ये रहता है कि कैमरा मेरे सामने हो और मैं सिर्फ कैमरे से बात करती हूँ। सुजीत और जूही ने कुछ इस तरह समझाया मुझे कि मेरी समझ में आ गया और मैं तो सिर्फ अपना रोल अदा करने सेट पर जब गए तो वहां पर कैमरे में अपने को देखा, अब बस यही फिक्र थी कि कब कैमरा सामने आया और मैं बोलूं। तो आप नर्वस थी क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी, मैं कभी भी नर्वस नहीं होती। अच्छा, वाह। अरे बल्ब ना चोरी हुई, निगोड़ी जायदाद चोरी हो गई। इनकी जायदाद वाली सूरत कहाँ? तो फारूक जी, अमित जी और आयुष्मान खुराना के साथ क्या क्या बातें हुई, उनके साथ क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और वो तो मेरे जहन में जो था अमिताभ बच्चन, वो सिलसिले का रोमांटिक हीरो था। जब गाना गाती है तो मैं अपने को समझ रही थी कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ जो अमिताभ के साथ काम करने को मुझे मिला। मुझे और कुछ नहीं याद। लेकिन इस उम्र में फारूक जी, आप इतनी एनर्जी के साथ आप काम कर रही हैं, आपने इतना अच्छा काम किया इस फिल्म में, तो ये जो एनर्जी है, ये जो आपका इतना एंथुसियाज्म है, ये कहाँ से आता है? पता नहीं कहाँ से आता है। ये मैं नहीं बता सकती। शुरू से था क्या? हाँ, ये बात शुरू से थी कि कैमरा सामने होता था, अब मुझसे जो कहा जाता था मैं बोल देती थी। और आपने कभी ट्रेनिंग की एक्टिंग की कि ऐसे नेचुरली हैं आप? नहीं, मैंने ट्रेनिंग कभी नहीं की, नेचुरली हूँ। और बहुत पहले से शौक था एक्टिंग का? शौक तो था, लेकिन ये नहीं था कि मैं कुछ बनूं, बस कैमरा हो और मैं हूँ, अब मुझे क्या बोलना है ये मालूम होना चाहिए। तो मतलब शोहरत, फेम, सक्सेस, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था? कोई नहीं। Really? हाँ, बिल्कुल सही मैं आपसे बता रही हूँ, अब भी
ये है कि मैं सोचती हूँ कि जो मुझे बोलना है बस वो बोलूं, ये मुझे मालूम होना चाहिए बस। तो अब फारूक जी आपको इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, लोग इतना इतना खुश हैं आपकी बेगम को देखकर, तो अब क्या चाहती हैं, आपको क्या और करना है? अरे भैया कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती, ना मैंने कभी सोचा इसके बारे में, बस मैं हूँ और मेरे डायलॉग्स हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा कि जब लखनऊ में पहला विविध भारती का स्टेशन बना था तो आप लखनऊ की पहली अनाउंसर थी। जी हाँ, इत्तेफाक से मैं असल में लखनऊ में भीड़ देखी गई थी ड्रामे की रिहर्सल के लिए, तो मैंने वहां पूछा लोगों से कि ये भीड़ का है कि ये? तो लोगों ने कहा कि यहाँ विविध भारती चैनल खुलने वाला है लखनऊ में, इसके लिए ये भीड़ है। तो मैंने कहा मुझे मालूम होता, बताया होता आप लोगों ने तो मैं भी बैठ जाती, तो कहले हम ही लोग तो बैठेंगे, बैठ जाओ। आपसे वहीं पर खड़े हो गए, मैंने एप्लीकेशन लिखी और थमा दिया जिसने कहा था और मुझे बुला लिया गया। मैं जब गई तो मैंने कहा देखा, मैंने कहा कि अरे यहाँ से हमारी आवाज जाती है, यहाँ सुनाई देता। वहीं पर एक स्क्रिप्ट पड़ी थी, मैंने कहा पढ़ूं, तो अंदर से आवाज आएगी हाँ, और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पता लगा कि परवीन तलहा एक आईएएस ऑफिसर थी, उस जमाने वो पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में, एमए कर रही थी, वो सेकेंड आए मैं फर्स्ट आए। एक सिन्हा करके लड़का था बनारस से आया था कैजुअल, तो वो थर्ड आए। बस हम तीनों के ऊपर दूसरे दिन भारती खुल गया बस। वाओ, अच्छा, और उमराव जान की कोई यादें हैं, वो शूट कैसी थी? उमराव जान तो मुझे आज भी सबसे अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, इसमें कोई शक नहीं। अब उसके डायलॉग्स वो माँ का घर उजाड़ के कौन सी नगरी बसाई तूने अमीरन, तुम अमीरन तो नहीं हो, तो वो कहती हाँ, तो माँ जो रोती है तो कहती है बाबू कहाँ है, अपने बाप को पूछती तो मैंने वो तो अल्लाह को प्यारे हुए, अब मैं ही रह गई हूँ, तुम्हारा भाई है जो बाद में आता है, वो उसको देख के रेखा इतना हंसती थी, कहती थी मुजफ्फर अली तुम कहाँ से पकड़ के लाए हो उसको। और मुझे ताज्जुब ये हुआ कि अभी हाल में वो सुपरस्टार सीक्रेट सुपरस्टार सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म में आमिर खान ने मैं गई थी बॉम्बे किसी फिल्म की शूटिंग के लिए, तो वहाँ उसने जब मालूम किया तो मुझे बुलाया, तो मैं पहुंच गई और वहां रेखा मिली, तो वो रेखा जिसने उमराव जान में कम से कम 25 साल पहले वो हंसी थी देख के मेरे डायलॉग, मैंने कहा सुनोगी सुनो, तो वो गाना गाने लगी। अच्छा, काहे को ब्याह हो विदेश सुन लखिया बाबुल मोरे। मैंने अपने स्क्रिप्ट बड़े ताव में मैं पढ़ रही थी, बंद कर दिया, मैंने कहा ये लोग
मुझे नहीं सुनेंगे, अपने को बहुत बड़ा सुपर स्टार समझते हैं। मैं नहीं सुनाऊंगी, मगर मैं बोलूंगी, अगर रोल करूंगी तो बोलूंगी यही। और वो मिली यहाँ सीक्रेट सुपर स्टार में, उसमें बुलाया था आमिर खान ने हमको। तो आपको, आप जब बॉम्बे आई हैं, जब यहाँ पर काम किया है, तो मजा आता है, अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता ही है, तभी तो आते। और लखनऊ में और कुछ अभी आप कभी बोलती हैं रेडियो पर, या कभी और कुछ करती हैं? नहीं, मैं लखनऊ के बाद चली आई थी दिल्ली एक्सटर्नल सर्विसेज में, और वहां की भी पहली अनाउंसर में रही, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस जो खुली थी। उसमें भी मैंने पहला अनाउंसमेंट किया। और गुलाबों सितारों में आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा है? मुझे वो जो लास्ट वाला है सालगिरह का, वो अच्छा लगा। जिसमें आप सच धज के आती हैं? हाँ, जिसमें सच धज के आते हैं। चलिए फारूक जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अपना कीमती वक्त दिया हमको। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, रियली आई होप कि आप खूब सारी फिल्में करें और हम आपकी और फिल्में देखें। इंशाल्लाह जरूर देखूंगी। ओके फारूक जी, यही आलम रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।